जय माता दी, जय माँ कामाख्या, माँ भगवती जगत जननी आदिशक्ति भवानी आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे। कामाख्या वरदे देवी नीलपर्तवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्या काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय कामनाम देहि मे नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुरसेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धये। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि मे देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वा साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। यह प्रश्न जो मैं आपके सामने बताने जा रहा हूँ, यह प्रश्न कई मनुष्यों की जिंदगी में कई बार उठता है। जैसे पिताजी की हालत बहुत खराब है, किसी व्यक्ति ने हमसे प्रश्न किया है कि पिताजी की हालत बहुत खराब है, वह न तो बोल सकते हैं न खा पी सकते हैं, उनको हार्ट में ब्लॉकेज की समस्या है, और भी कई रोग जिसको बोलते हैं शुगर की बीमारी हो गई और अन्य शरीर में कुछ दूसरी बीमारी भी है, तो या तो ऐसा उपाय बताए कि वो ठीक हो सके या फिर उन्हें मुक्ति मिल जाए। उनको जो दर्द हो रहा है, उनको जो तड़पन हो रही है, वह हमें देखा नहीं जा रहा है, कृपया कुछ उपाय बताने की कृपा करें। तो ऐसी अवस्था कई घरों में बड़े बुजुर्गों के साथ में होती है कि उनकी आत्मा नहीं निकलती, उन्हें भोगना पड़ता है और कई प्रकार से कष्ट भोगना पड़ता है। तो अब हम यह कह सकते हैं ऐसी अवस्था में कि मनुष्य के द्वारा किए गए पाप कर्मों का फल भोगना ही भोगना पड़ता है। इस पृथ्वी लोक पर ही सुख है, इस पृथ्वी लोक पर ही दुख है, यहीं पर स्वर्ग है, यहीं पर ही नरक है। तो जो मनुष्य अपने कर्मों का फल इस तरीके से भोगता है कि उसे नली के माध्यम से भोजन दिया जाता है, नली के माध्यम से श्वास दी जाती है, और वह न तो अपनी कुछ इच्छा बता पाता क्योंकि बोल नहीं सकता, उसकी हालत ऐसी नहीं कि वह कुछ लिख सकता है, और न वह कोई खा पी सकते हैं, और मृत्यु के पूर्व उनकी आत्मा निकलने के लिए तरस रही है परंतु तड़प रही है, मर नहीं पा रहे हैं, ऐसा कई वर्षों तक चलता है, किसी किसी के साथ तो कई महीनों तक चलता है, और आत्मा नहीं निकलती है। भगवान से दुआ करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उसके बावजूद भी, और कुछ तांत्रिक लोग इसकी क्रिया भी करवाते हैं कि साहब जल्दी निकल जाएगी, पर फिर भी आत्मा नहीं निकलती है। तो ये मान करके चलो जिसकी आत्मा इस प्रकार से तड़प तड़प करके निकलती है या फिर बहुत तड़प तड़प करके वो व्यक्ति मरता है, यानी कि अपने शरीर में ही वहीं पे बिस्तर पर ही पड़ा पड़ा वो हर प्रकार के कष्टों को भोगता है, तो इसका मतलब वह अपने पाप कर्मों को यहीं पर ही काट करके जा रहा है। तो ऐसा यदि किसी के साथ हो रहा है तो आत्मा को जल्दी निकालने के लिए श्रीमद् भागवत गीता का पाठ उसको सुनाना चाहिए। अब मनुष्य हॉस्पिटल में चला गया तो वहां पर कैसे गीता जी का पाठ सुनाओगे आप, क्योंकि वो तो अनकॉन्शियस हैं, उनका दिल दिमाग काम नहीं कर रहा है, वो तो मर चुके हैं, उन्हें जिंदा रखा हुआ है क्योंकि सिर्फ सांस ले रहे हैं। तो घर में श्रीमद् भागवत गीता जी का पाठ कराने पर कोई फायदा नहीं होता है, क्योंकि जो व्यक्ति जो इस प्रकार की आत्मा शरीर से नहीं निकल पा रही है, तड़प रहा है, ऐसे मनुष्य को भागवत गीता सुनाना चाहिए और संकल्प लेकर के नारायण सहस्त्र नाम का पाठ भी करना चाहिए और सुनाना चाहिए, जिससे शायद वो आत्मा जो निकलने के लिए तड़प रही है वो निकल जाएगी। तो क्या हो गया, यदि किसी की आत्मा शरीर में नहीं निकल पा रही हो शरीर से और वो तड़प रहा हो मरने के लिए,
वो बिस्तर पर एक जिंदा लाश के माफिक पड़ा हुआ हो और जिसकी सदगति के लिए पूरा परिवार प्रार्थना कर रहा है ईश्वर से, परंतु उसकी सदगति नहीं हो पा रही हो, तो श्रीमद् भागवत गीता जी का पाठ घर पर करा लेना चाहिए या फिर उस व्यक्ति को सुनाना चाहिए घर पर ला करके। संकल्प लेकर के 11 बार या 21 बार या 108 बार श्री नारायण सहस्त्र नाम का जप करना चाहिए और करवाना चाहिए, जिससे आत्मा को मुक्ति मिल सकती है। अगर वो फिर भी ठीक नहीं हो और नहीं निकले उनकी आत्मा, तो सत्य को स्वीकार करो कि उनको ऐसा भोगना है, क्योंकि उनके द्वारा ऐसा पाप कर्म किया गया होगा जिससे उनको ये सब चीज भोगना पड़ेगी। शिव मंदिर में जाकर के संकल्प लेना चाहिए और वहां पर महामृत्युंजय के जप करवाना चाहिए 11,000, और दशांश हवन भी कराना चाहिए। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने, इस मंत्र का 11,000 जप कराना चाहिए। आपको बहुत से पंडित जी लोग मिल जाएंगे कि साहब आत्मा नहीं निकल रही है उनकी, तो कहेंगे साहब आप तो गीता जी का पाठ करवा लो और महामृत्युंजय के जप करवा लो। अब महामृत्युंजय के जप में उन्हें ये वाला मंत्र आता ही नहीं, वो मंत्र करेंगे ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वा रुक्मि वंदनान मृत्योर मुक्षीय मामृतात, तो इस मंत्र में कहीं पर भी अर्थ नहीं आ रहा है कि आपकी रोग ठीक हो जाए, बीमारी ठीक हो जाए या उस पीड़ित का जो कर्म बंधन है उससे वो मुक्ति मिल जाए। इसलिए आपको जो है ये ओम त्र्यंबकम यजामहे वाला मंत्र उस पीड़ित व्यक्ति के लिए नहीं कराना है, आपको कराना है ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने, तो ये वाला मंत्र आपको जप कराना है और वहीं पर रुद्र अभिषेक अवश्य करा लें संकल्प के साथ में, तो आपको मृत्यु तुल्य कष्ट नहीं भोगना पड़ेगा। अन्यथा जो भी वृद्ध व्यक्ति हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद में या घर में पड़े रहने के बाद में आत्मा निकलने के लिए तड़पती हो परंतु नहीं निकल पाती हो, उसको न तो सांस लेने में तकलीफ होती है, उसको न वो खा सकता है न वो पी सकता है, केवल जिंदा लाश के माफिक पड़ा रहता है, तो इसका मतलब समझ जाओ वो महान पापी मनुष्य है, इसलिए आत्मा नहीं निकल रही है। इसके लिए उसका तुला दान करो संकल्प लेकर के, और गोदान करिए, भूमि दान करिए, सोने चांदी का दान करिए, तो इस प्रकार के 18 प्रकार के दान शास्त्र में बताए गए हैं। हो सकता है उस मनुष्य ने पूरी जिंदगी भर पैसा कमाया हो अपने परिवार के लिए और खर्च किया हो, पैसा कमाने में पाप कर्म भी किया हो, परंतु यदि उस पाप कर्म के पैसे का उसने दान धर्म नहीं किया हो तो उसके आत्मा निकलने में बहुत तकलीफ होती है। तो ऐसा शास्त्र कहता है कि मनुष्य को जो पाप कर्म किए हैं, किसी की हाय ली हो, किसी की बद्दुआ ली हो, किसी की जमीन जायदाद को छीना हो, या फिर किसी के साथ जबरदस्ती की हो, किसी की मेहनत का पैसा खा गए हो, तो ऐसी अवस्था में आपको दान देना चाहिए। जो उस वृद्ध व्यक्ति के द्वारा कमाया गया पैसा है, चाहे मकान हो, संपत्ति हो, सोने चांदी हो, बेच करके आपको दान देना है, उनके हाथ से संकल्प दिलवा दें, तो सबसे पहले इसके अंदर आता है गो दान देना चाहिए। गाय का दान दीजिए, एक बछिया का दान दीजिए, स्वर्ण दान देना चाहिए, चांदी का दान देना चाहिए, रजत का दान देना चाहिए, दूध का दान देना चाहिए, 7 प्रकार के अनाज का दान देना चाहिए, 7 प्रकार की धातु का दान देना चाहिए, यानी कि चांदी का दान, लोहे का दान, तांबे का दान, कांसे का दान देना चाहिए, जमीन का दान देना चाहिए, भूमि का दान देना चाहिए, वस्त्र का दान देना चाहिए, चप्पल जूतों का दान देना चाहिए, छतरी का दान देना चाहिए, मंदिर बनाने के निमित्त दान धर्म करवाना चाहिए। इस प्रकार से जितने भी मुख प्राणी होते हैं उनके निमित्त भी दान करवाना, संकल्प करके उनके नाम से दान देना चाहिए, तो उनकी आत्मा ये दान स्वीकार करके निकल जाएगी, अन्यथा कई महीनों तक उनके प्राण अटके रहेंगे और वह शरीर जिसने पाप कर्म किया है वह कष्ट भोगता रहेगा।
तो दान देने से पाप कटते हैं और पाप कटने से सुख की प्राप्ति होती है, और जब सुख मिलता है तो आनंद मिलता है, और जब आनंद मिलता है तो लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, जब लक्ष्मी मिलती है तो ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, और जब ऐश्वर्य मिलता है तो सब जगह जय जयकार होती है। इसीलिए दान देते रहना चाहिए। जय माता दी, जय माँ का मख्या। इसलिए यदि किसी का प्राण नहीं निकल रहे हो तो ये टोटके अवश्य कर लें। जय माता दी।